हेलो एवरीवन, रोज रोज एक ही रेसिपी खा के उब गए हैं, तो चलिए आज आप भी मेरे साथ बनाइए एक बहुत ही टेस्टी वाली डिनर की रेसिपी। ये बनाई है मैंने एक ऐसी रेसिपी जो एकदम रेगुलर वाली से डिफरेंट है, और उसके साथ मैं बनाऊंगी एकदम गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ। अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपीज अच्छी होती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सबसे पहले मैंने ले ली आलू और उसे मैं धो के साफ कर लूंगी और लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लूंगी। उसके साथ ही मैं ले लूंगी एक प्याज और इसे भी मैं काट लूंगी लंबे लंबे स्लाइसेस में। और चलिए अब बना लेते हैं आलू का भुजिया। ये भुजिया वाली रेसिपी जो होती है ना, आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप बताइएगा कि इसे आप लोग क्या कहते हैं, पर हमारे यहाँ इसे हम लोग आलू प्याज का भुजिया कहते हैं। अब इसे पहले हम लोग बना लेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया, थोड़ा सा जीरे का तड़का डाला मैंने, और उसके बाद अब आलू को हम फ्राई करेंगे। अब ये आलू को हम थोड़ा तेज आंच पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि आप धीमी आंच पे करेंगे ना तो ये आलू बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे और फिर भुजिया बहुत टेस्टी नहीं लगेगा। उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हल्दी और नमक और सबको फ्राई कर लूंगी, और फ्राई करने के बाद अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही गैस पे मैं छोड़ दूंगी। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी प्याज जो हमने काट के रखा हुआ है, और उसे भी चलाएंगे। और थोड़ी देर के लिए मैं इसे क्या करूंगी, ढक के रख दूंगी ताकि थोड़ा हमारा जो प्याज है वो नरम हो जाए। अब थोड़ी देर में चला के देखेंगे कि हमारा ऑलमोस्ट ये आलू प्याज का भुजिया तैयार हो गया। अब उसमें मैं थोड़ा लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ा चला के मैं इसे एक साइड कर लूंगी कि जो भी इसमें थोड़ा भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, और जो हमने आलू प्याज का भुजिया बनाया है उसमें बिल्कुल ही तेल नज़र नहीं आएगा। अब ये मैंने ले लिया है कद्दू। अब इसे मैं धो के अच्छी तरह छील के साफ कर ली हूँ और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। मैंने ये जो कद्दू लिया हुआ है वो थोड़ा सा एकदम कड़क था, टाइट था और कच्चा था, जैसा मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है। आप भी कोशिश करिएगा कि उसी तरीके का कद्दू लें। कद्दू को हम लोग कोहड़ा भी बोलते हैं और कुमड़ा भी बोलते हैं। आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने तेल ले लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा ले लिया, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च दो या तीन, और उसके बाद मैंने उसे कैंची से काट के उसे भी ले लिया है। उसे थोड़ा सा चला लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जब हमारा लाल मिर्च भुन जाए तो उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हींग। हींग आप आधा चम्मच के करीब ले लीजिए, और उसके बाद इसमें डाल देंगे जो हमारा कटा हुआ कद्दू है वो। अब इसे डाल के और उसके बाद इसे थोड़ा हम चलाएंगे, और चला के इसे हम धीमी आँच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक, और उसके बाद फिर से इसे थोड़ा चला देंगे, और चलाने के बाद इसे अच्छी तरह मिला के और इसको धीमी आंच पे मैं ढक दूंगी। एक बार आप इस तरीके से कद्दू की सब्जी बना के देखिए, आप यकीन मानिए कि आपको ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये थोड़ी रेगुलर वाली सब्जी से थोड़ी डिफरेंट है, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत खट्टा मीठा तीखा बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे एक चम्मच चीनी डाला हुआ है, आप इसे थोड़ा कम या ज़्यादा डाल लीजिए आपको जितना मीठा खाना हो। अगर आप मीठा ना खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं, तब भी बहुत ये टेस्टी लगता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और उसके बाद अब इसे ढक देंगे। अब ये कद्दू को आप जितना धीमी आंच पे पकाएंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और धीरे धीरे ये जो है कद्दू वो सॉफ्ट होता जाता है, नरम होता जाता है। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा जो कद्दू है वो सॉफ्ट होता जा रहा है। अब इसे आप चलाते जाइए, और उसके बाद जो कड़छी है ना उसके पीछे वाले साइड से इसको प्रेस करते जाइए। जितना आप इसको दबाएंगे ना और थोड़ा इसको मसलते जाएंगे तो ये हमारा जो सब्जी है ना वो अच्छा एक पेस्ट जैसा बनते जाएगा। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच गरम मसाला और दो चम्मच इमली का पल्प। इमली के पल्प के जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर वो आप एकदम लास्ट में गैस बंद करने के बाद तब डालिएगा। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो आप किचन किंग डालिए। एक्चुअली इसमें किचन किंग का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने गरम मसाला डाल दिया। और उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद
जब इसका थोड़ा पानी सूख गया तो इसमें मैं डाली हूँ काला नमक। काला नमक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है और इसे लगातार चलाते जाइए जब तक कि ये हल्का ड्राई ना हो जाए। जब ये हल्का ड्राई जैसा हो जाएगा इस तरीके का, तो समझ लीजिए कि आपका ये बन गया। इसका कलर भी थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा। अब इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। मैंने पहले प्लेट में दोनों सब्जी लगा दी है, अब मैं गर्मा गर्म निकालूंगी पूरी। पूरी के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, बहुत ही नॉर्मल एकदम सिंपल, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे मैंने आटा लगा लिया था। बट इतना था कि मैं आटा को थोड़ा कड़क लगाई थी और उसे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली पूरियां बनी है। आप भी ये खट्टी मीठी तीखी कद्दू की चटनी बनाइए और कमेंट में बताइए कि कैसा बना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।